Very good morning, student. Today our subject is GK of class 5th. Our first lesson, telephone etiquettes. Etiquettes. What is etiquettes? Etiquettes होता है तमीज या शिष्टाचार या good habits, अच्छी आदतें जो किसी से अच्छे से पेश आना किसी के साथ और अच्छी से किसी को respect देना, किसी का किसी से घृणा नहीं करना, किसी से कोई गलत तो नहीं बोलना, अच्छे से पोलाइटली बोलना, यही शिष्टाचार एटिक्योट्स में आती हैं ये बातें। तो यहाँ पे आज का हमारा जो लेसन है वो बेस्ड है एटिक्योट्स पे, टेलीफोन एटिक्योट्स। जब हम टेलीफोन पे या मोबाइल फोन से किसी से बातें कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन एटिक्योट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वी शुड ऑलवेज टॉक पोलाइटली ओवर द टेलीफोन बिकॉज इट शो लो मैनर्ड वी आर। हमें हमेशा पोलाइटली बहुत ही शांति से विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए फोन पे, क्योंकि यह हमारा हाउ मैनर्ड, यह हमारा क्या दिखाता है कि हम कैसे मैनर्ड हैं, हमारे अंदर कैसी आदतें हैं, कैसे हम कैसे हमारे अंदर शिष्टाचार हैं, वो सारा शो करते हैं, दिखाते हैं। गिवन बिलो इज द कन्वर्जेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। तो नीचे कुछ दो बच्चों की बातें दे रखी हैं, कन्वर्जेशन बातचीत दे रखी है फोन पे वो बातें कर रहे हैं। तो टिक द वन हु इज टॉकिंग पोलाइटली, क्रॉस द वन हु इज नॉट। तो उस बच्चे पे हमें उस बच्चे की बात पे हमें टिक करना है जो पोलाइटली बोल रहा है, शांति से बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, और उसको क्रॉस करना है जो अच्छा नहीं बोल रहा, जो एटिक्योट्स में नहीं बोल रहा। तो हमें क्या है, जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं चाहे वो रॉन्ग नंबर भी क्यों ना हो, तो हमें अच्छे एटिक्योट से उनसे बात करनी चाहिए, अच्छी तरह उनसे बोलना चाहिए। तो ये हमारी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें काम आती हैं, ये एक पढ़ाई से अलग हमें अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो आज इन कुछ कन्वर्जेशन दे रखी हैं, बातचीत दे रखी हैं, तो हमें टिक लगाना है, जो अच्छा बोल रहा है उस पर टिक लगाना है, जो अच्छा नहीं बोल रहा, अच्छे एटीट्यूड से नहीं बोल रहा, गुड एटीट्यूड नहीं है जिसमें, गुड मैनर्स नहीं है जिसमें, उस पर हमें क्रॉस करना है। हेलो, मे आई टॉक टू राहुल, ये बच्चा कह रहा है, हेलो क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ। लड़की बोलती है, नो यू कांट, हु आर यू, नहीं नहीं कर सकते, तुम कौन हो। तो ये जो लड़की है ये थोड़ा सा बैड मैनर से बोल रही है, तो ये बच्चा अच्छे मैनर से बोल रहा है, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। टाग हिम डैट अंकित कार्ड अप, तो वो बच्चा कहता है कि उसे बता देना कि अंकित बोल रहा है। आई डोंट हैव टाइम टू टेल एनीथिंग, कॉल अगेन लेटर। तो ये लड़की फिर से गलत बोल रही है, कहती है मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तुम दोबारा से कॉल कर लेना। तो ये बच्चा ठीक बोल रहा है। इट इज़ वेरी अर्जेंट, कैन यू प्लीज़ पास द मैसेज। तो ये कहता है कि बहुत ज़रूरी है इसलिए आप उस पर मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कन्वे कर देना, पास कर देना, भेज देना, पहुंचा देना उस तक मैसेज कि अंकित की कॉल आई थी। तो ये सही, नो आई हैव अदर वर्क टू डू, कॉल हिम योर सेल्फ लेटर। तो ये बच्ची कहती है कि नहीं, मेरे पास और बहुत काम है इसलिए तुम उसी को दोबारा कॉल कर लेना। तो ये हम क्रॉस करेंगे। तो कुछ अच्छे एटीट्यूड्स के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ बच्चे इन एटीट्यूड्स को फॉलो नहीं करते, अच्छी आदतों को फॉलो नहीं करते। तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, समझना चाहिए, हमें किसी से भी बात करनी है तो हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए। टिप्स टू बी फॉलोड वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, तो हमें कुछ टिप्स दिए गए हैं जो हमें जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ टिप्स हैं। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट टू द रिसीवर, हमें खुद को इंट्रोड्यूस, हमें खुद की पहचान बतानी चाहिए, खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रिसीवर के साथ, जो हमारी कॉल उठा रहा है, जो हमसे बात कर रहा है। डोंट शाउट ओवर द फोन, हमें कभी भी फ़ोन के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए किसी से भी, हमें बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में बात करनी चाहिए। स्पीक स्लोली लाउड इनफ टू बी हर्ड एंड क्लियरली, हमें स्लोली धीरे धीरे बोलना चाहिए एंड क्लियरली स्पष्ट बोलना चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से आवाज़ सुनाई दे।
डोंट इंटरप्ट द स्पीकर वाइल ही सी इज स्पीकिंग समथिंग। हमें उसको बीच में बाध्य नहीं करना चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए जब वो कुछ बोल रहा होता है, अपनी बात जब वो रख रहा होता है, बोल रहा होता है, तो हमें उनको बीच में रोकना नहीं चाहिए, बाध्य नहीं करना चाहिए। कीप योर कन्वर्सेशन शॉर्ट, हमें अपनी जो बातचीत है वो हमेशा छोटी रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। नेक्स्ट, डोंट बिहेव रूडली विद द कॉलर इफ यू आर इरिटेटेड। जब हम इरिटेट होते हैं तो किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, लेकिन ये जो बैड हैबिट्स होती हैं, ये जब भी हमें इरिटेट होती हैं तो हमें किसी दूसरे से रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। तो आज की हमारी जो बातें हैं, होप है, आशा है कि आप इनको डेली लाइफ में भी फॉलो करोगे, यूज करोगे। तो आज का हमारा जो होमवर्क के रूप में यही लेसन रहेगा कि इन बातों को हमें फॉलो करना है टेलीफोन पे बातचीत या कन्वर्सेशन करते टाइम। थैंक यू।